चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया आकाश आनंद ने, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है, बीएसपी के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बहन जी के संन्यास की फैलाई अफवाह, कांग्रेस के एजेंडे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बने अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा और इस दौरान एक वीडियो भी पोस्ट किया है। राजनीति में आई हूँ, विरोधी पार्टी ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की, क्या कभी मैं घबराई? मैंने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक पूरा जी जान से लगी रहूंगी, लेकिन मैं अपने ईमान को कदापि बेचने वाली नहीं। जब से मैं राजनीति में आई हूँ, उन्होंने कहा कि साथियों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहन जी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। पहली साजिश हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी किसी के दबाव में नहीं आती, उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रहे हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और ना देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। बहन जी हमेशा कहती रही हैं दलित शोषित वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनतकश देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को दिलोजान से आदरणीय बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है और पूरी ताकत से लड़ना है।